टू माय मजे बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ गाइस, और मुझे आ रही है बहुत नींद। आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं सोई सोई सी लग रही हूँ आज। कुछ पूछा मैंने कुछ क्या जा रहे हैं मुजम्मिल नाश्ते पर? काफ़ी दिन हो गए थे, उन्होंने मेरे साथ नाश्ता नहीं किया, फैमिली के साथ नाश्ता नहीं करा। तो उनका दिल चाह रहा था कि आज वो नाश्ता करें, तो उन्होंने मुझसे रात में बोला था कि मैं कल आऊँगा सुबह में सबके साथ नाश्ता करूँगा। तो मुझे जल्दी उठना पड़ा, जो मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, देर से उठती थोड़ा। तो अब देखते हैं कि मुजम्मिल कब आते हैं और क्या लेकर आते हैं नाश्ते में। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, और जैसे ही मुजम्मिल आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या लेकर आए नाश्ते में। तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरे साथ बैड लक हो गया है, मुजम्मिल जल्दी आ गए। वैसे मैंने चेंज किया था और कोई रेडी वेडी भी नहीं हुई थी, और ये जल्दी आ गए, ये रे, और बैठ के यहाँ सो रहे हैं, और जल्दी आके बैठे हुए, और खुदा के यहाँ पे लेट बैठे हुए सो रहे हैं। आपने मुझे उठा दिया, हम तैयार भी नहीं हो पाए, सिर्फ चेंज ही किया था और आ गए, फौरन बेल बज गई। अब हमें नाश्ता करके तैयार होना पड़ेगा, फिर रेडी होंगे हम। लेकिन इनके मुक्के मुक्के पड़ने चाहिए। क्या रेडी होने, इतनी प्यारी तो लग रही है। अच्छा सिंपल सिंपल है, ना काजल ना कुछ। यार आप सच में इतनी प्यारी लग रही, इतनी क्यूट सी लग रही है। चले अब मैं जा रही हूँ नाश्ता लगाने, क्योंकि नाश्ता तो लगाना है ना, ठंडा हो रहा है, फिर मैं उसके बाद रेडी होती हूँ। नाश्ता लगा के दिखा दूँ कि आज मुजम्मिल क्या लेकर आए हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया है नाश्ता। तो गाइस अभी सब घर वाले कर रहे हैं नाश्ता, और मैं भी करने जा रही हूँ उस वक्त नाश्ता। तो फिर मिलते हैं नाश्ते के साथ, और मुजम्मिल अभी लगे मैं किसी से और दुकान पर। तो नाश्ता करते हैं फिर बात करते हैं। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग हो गए थे फिर, अब मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा मुजम्मिल के लिए अपने हाथ से कुछ बनाऊँ, तो उनको मेरे हाथ का चार गोश्त ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वही बनाने का कर रही हूँ। और मैं किचन में आई हूँ बनाने के लिए अचार गोश्त, तो अभी मैं उनके लिए बनाती हूँ अचार गोश्त। अभी मैंने इसमें डाला है प्याज, ज़्यादातर चीज़ें बनाना आती हैं और ज़्यादातर नहीं आती है, तो ये आता है बहुत अच्छा बनाना, और ये मैं अच्छा बनाती हूँ चार गोश्त। तो अभी ये प्याज लीजिए, अभी प्याज ब्राउन हो जाए, बाकी सारा मसाला वगैरह डाल दूँ, चिकन वगैरह डाल दूँ, गोश्त मैं नहीं बना रही हूँ, चिकन में बना रही हूँ, क्योंकि चिकन में ज़्यादा अच्छा बनता है। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, और मेरी बड़ी हालत ख़राब, और मैंने इसके अंदर चिकन डाली और अदरक लहसुन भी डाल दिया और दही भी डाल दिया। अब इसमें डालने वाले टमाटर और मसाला, अब जब ये पक जाएगा और पूरी खाना मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर देखते हैं कि मुझे मेरी कोई पसंद आता है, जो उनको पसंद नहीं है, और वो कितने में से कितने भर देते हैं। अब इसमें डालने वाली हूँ मैं टमाटर और मसाला। तो गाइस इसमें मैंने टमाटर और मसाला डाल दिया, और अब टमाटर डाल दिया तो उसको थोड़ी देर भर देंगे, फिर इसकी फाइनल हो जाएगी, यानी कि फिर इसको भूनेंगे एक बार, और उसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, और फिर इसके आएगी फाइनल। तो मैं इसको रख लूँ पकने के लिए। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं आई हूँ अपनी छत पे, और पहली दफ़ा आई हूँ अपनी छत पे, और मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, जो बात है, और व्लॉग में भी पहली दफ़ा आई हूँ। तो यहाँ अच्छी सी हवा भी चल रही है और अच्छा भी लग रहा है। ये मेरे साथ आए, इन्होंने मुझे ऊपर चढ़ाया था। अन्ना तुम तो गिनने वाली थी। मुश्किल हो रहा था। ये सीढ़ी चढ़ी गाइस, और कप कपाना शुरू फोन। और मैं चढ़ी आऊंगी कप कपाना शुरू। नीचे भी उतारना नहीं का काम है। नीचे उतारना बहुत रिस्की है। और ये रहा, बहुत ही ज्यादा लग रहा है, मजे का देखते हैं। अच्छा बनाया वैसे खाना, तो आपने खाना हमने खा लिया है, और हम मुजम्मिल अपने घर जा रहे हैं, रात बहुत हो गई, और जब वो जाते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता कि वो घर जाए, क्योंकि मुझे उनके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, फिर वो बहुत दिन बाद आते हैं। क्यों मुजम्मिल तो आपका क्या इरादा, मैं यहीं पर रहूं, तो है नहीं ना, चले गाइस ये भी जा रहे हैं, और अब रात भी हो गई, मैं भी थक गई हूँ पूरे दिन की। हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।